हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एक पेपर नेटवर्क थ्योरी का एक चैप्टर एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में 7 क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया जाएगा और वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट प्रॉब्लम भी दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप उस असाइनमेंट प्रॉब्लम को भी बना सकें। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक वेवफॉर्म है वोल्टेज की, जिसमें डीसी कंपोनेंट भी है और एसी कंपोनेंट भी है, इसका आपको इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2007 में पूछा गया था। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें डीसी कंपोनेंट एज वेल एज एसी कंपोनेंट हो और उसका इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो मेरा डीसी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस 1/2 जो भी मेरा एसी कंपोनेंट है उसके मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 101.8 वोल्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चूंकि इस न्यूमेरिकल में हम लोगों से इफेक्टिव वैल्यू पूछा गया था जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे एवरेज वैल्यू पूछा जाता तो हम जानते हैं कि साइन कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो हो जाता, यानी ये वाला टर्म भी जीरो हो जाता, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाता, तो एवरेज वैल्यू कितना निकल जाता, सिर्फ और सिर्फ 100 वोल्ट निकल जाता। आरएमएस वैल्यू कितना निकला है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, 101.8 वोल्ट्स निकला है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों ही साइन है, साइन क्वांटिटी है, और हम लोगों से वॉट मीटर में क्या रीडिंग आएगा। वॉट मीटर किस पावर को मेजर करता है? वॉट मीटर मेजर करता है एवरेज पावर को, जिसको हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं और एक्टिव पावर भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई, जहां पर वी जो है आरएमएस वैल्यू होता है, आई आरएमएस वैल्यू होता है और कॉस फाई पावर फैक्टर होता है। तो वी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको मैक्सिमम वैल्यू पता है 100, तो हम लोग लिख सकते हैं 100/√2, क्योंकि वी आरएमएस का वैल्यू होता है Vm/√2। उसी तरह से आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/√2, आई आरएमएस का वैल्यू हो जाएगा Im/√2। और इन दोनों क्वांटिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, देखिए यहां पर कोई फेज वैल्यू नहीं है, यानी 0 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 30 डिग्री, यानी फाई का वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस 30 लिखेंगे। जब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 433 वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी पावर इंडिकेटेड बाय वॉट मीटर जो होगा वो 433 वॉट आएगा। इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो एमीटर है वो उसकी रीडिंग क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक एसी सर्किट है, यानी ये एमीटर जो है वो एसी करंट को मेजर करेगा, और कितना करंट को मेजर करेगा, जो ये इंडक्टिव करंट और रेसिस्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट का जो रिजल्टेंट होगा उसको ये मेजर करेगा। और हम लोग जानते हैं कि एसी सर्किट में जो करंट होता है वो वेक्टर सम के बराबर होता है, ना कि अल्जेब्राइक सम के बराबर होता है। तो टोटल करंट जो कि एमीटर मेजर करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। ये वेक्टर सम का फॉर्मूला है। तो आई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे। आई सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5, यानी कि 5 लिखेंगे। आई एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1, तो यहां 1 लिखेंगे। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 एम्पेयर, यानी करंट मेजर्ड बाय द एमीटर विल बी 5 एम्पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल करंट निकालने के लिए बोला गया था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल वोल्टेज वी, इनपुट वोल्टेज जो वी है उसका रीडिंग पूछा जा रहा है। तो ये भी एक एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
तो देखिए यहां पर आप VL माइनस VC लिखिए या VC माइनस VL लिखिए, होल स्क्वायर होने पर दोनों सेम ही हो जाएगा। तो अब आप VR का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 वोल्ट तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, VL का वैल्यू दिया हुआ है 14 वोल्ट तो यहाँ 14 लिखेंगे, VC का वैल्यू दिया हुआ 10 वोल्ट तो यहाँ 10 वोल्ट लिखेंगे का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, ये 4 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 16, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन जो SSC JEE 2010 में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो AC क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनका हमको फेज डिफरेंस बताना है, E1 एंड E2। तो देखिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि नेचर दोनों क्वांटिटी का सेम है या नहीं है। ये भी साइन है, ये भी साइन है, इसका मतलब नेचर दोनों का सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका भी ओमेगा है, इसका भी ओमेगा है। ये दो चीज मैच करने के बाद ही हम फेज कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस मान लेंगे। तो पहला जो मेरा E1 है वो इस रेफरेंस से प्लस π/4, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी अगर इसको हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180/4 करने पर आपको आ जाएगा 45 डिग्री, यानी रेफरेंस से 45 डिग्री ये लीड कर रहा है। तो लीड करने वाली क्वांटिटी को रेफरेंस से ऊपर बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग बात करते हैं, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये मेरा E1 हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वांटिटी जो है वो -π/6 यानी लैग कर रहा है 30 डिग्री से, π/6 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये मेरा E2 है और ये 30 डिग्री का लैगिंग है। तो हम लोगों को फेज डिफरेंस बताना है कि इन दोनों क्वांटिटी में कितना फेज डिफरेंस है, तो ये दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा, यानी फेज एंगल निकालने के लिए या फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 प्लस 30 दोनों को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सिक्स्थ क्वेश्चन SSC JEE 2013 में पूछा गया है, इसमें एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है जिसका अपना कुछ DC वैल्यू है 100 और कुछ AC कंपोनेंट है 175 साइन 314t -25 डिग्री, और हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है एवरेज वैल्यू। तो याद रखिएगा साइन टर्म का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो हो जाता है, यानी ऐसा वेवफॉर्म जिसमें डीसी कंपोनेंट भी है और एसी कंपोनेंट भी है, तो एसी कंपोनेंट तो फुल साइकिल के लिए जीरो हो जा रहा है, तो एवरेज वैल्यू उस क्वांटिटी का कितना निकल जाएगा जो डीसी कंपोनेंट होगा, यानी इस क्वेश्चन में डीसी का वैल्यू हो जाएगा 100 वोल्ट। अब यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, तो या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसमें ऑप्शन में 100 वोल्ट होना चाहिए था। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें डीसी कंपोनेंट भी हो और एसी कंपोनेंट भी हो, उस वेवफॉर्म का डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा जो डीसी कंपोनेंट का वैल्यू होगा, यानी 100 वोल्ट, और अगर उसी वेवफॉर्म का हमको RMS निकालने के लिए बोलेगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100² प्लस हाफ इंटू 175 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपको VRMS का वैल्यू मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंस पूछा जा रहा है फैराड यानी कैपेसिटेंस का। तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर को हम लोग एक्स ऑफ सी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2πfC। तो चूंकि ये डीसी सर्किट में कनेक्ट किया गया है बोल रहा है, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब इस फॉर्मूले में हम लोग सब चीज का वैल्यू पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे और कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर में आप 0 पुट कीजिएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंस अगर कैपेसिटर का हम लोग निकाल रहे हैं डीसी सर्किट में तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि स्टडी स्टेट में यानी फाइनल स्टेट में कैपेसिटर डीसी सर्किट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, स्टार्टिंग में इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। वीडियो के एंड में आप लोगों को एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया जा रहा है कि एक करंट है जिसका कुछ अपना डीसी कंपोनेंट भी है, कुछ एसी कंपोनेंट भी है, और वो एक मूविंग आयरन टाइप एमीटर से होके पास कर रही है, उसकी रीडिंग क्या होगी, इसका आपको आंसर बताना है। इसके लिए मैं हिंट आपको ये दे रहा हूं
कि MI इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो RMS वैल्यू मेजर करते हैं। यानी आपको इस वेव फॉर्म का RMS वैल्यू बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर कमेंट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।